क्वालिफायर जैसे अहम और डोरडाई मुकाबला में आमने सामने राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। पहले बैटिंग करने उतरे सनराइजर्स हैदराबाद, उनके बैटिंग देखकर हर कोई सोचने लगता है 250 प्लस रन तो बनेंगे ही, लेकिन इस मुकाबला में 175 रन पर ही हैदराबाद टीम रुक गई। जी हां, 9 विकेट के नुकसान पर 175 रनों का टारगेट रखा राजस्थान के सामने, जिसके चलते सबने सोचा क्वालिफायर 1 की तरह ये मैच भी हार जाएगा हैदराबाद टीम। अपने टीम के लिए सबसे ज्यादा 50 रनों का इनिंग्स खेला हेनरिक क्लासेन। राहुल त्रिपाठी 37 रन और ट्रेविस हेड 34 रनों की पारी खेली। इतने कम रनों के टारगेट में काव्या मरान बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जॉब में बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स की ओर से शुरुआत बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। सिर्फ 24 रन पर ओपनर बैटर कैडमोर विकेट गवा दिए। उसके बाद आक्रामक तेवर में खेल रहे जयसवाल 21 गेंदों में 42 रन बनाकर विकेट गवा दी। यहां से राजस्थान बैकफुट में आ गई। उसके बाद अगले ही ओवर में संजू सैमसन ने विकेट गवा दिया। साथ ही नाकाम रहे रियान पराकर फिनिश करने आए शिमरन हेटमायर, जिसके चलते सिर्फ 92 रन पर ही राजस्थान रॉयल्स 6 विकेट गवा दिए थे। आखिरी उम्मीद ध्रुव जुरेल, उन्होंने अकेले लड़कर राजस्थान रॉयल्स को जिताने की भरपूर कोशिश की। उनके साथ देने वाले रोबमैन पवेल बिल्कुल फ्लॉप रहा। फिर जो होना था वही हुआ। ध्रुव जुरेल के अकेले भरपूर कोशिश टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था, इसलिए तो राजस्थान को रुलाकर फाइनल में पहुंच गए हैदराबाद टीम। काव्या मरान के शानदार सेलिब्रेशन, दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स के फैंस रो रो कर बुरा हाल। वैसे दोस्तों, कोलकाता वर्सेस हैदराबाद फाइनल मुकाबला कोलकाता के सामने लीग मैच में और फर्स्ट क्वालिफायर मैच में हमने सामने हुए थे हैदराबाद, और दोनों ही मैच में बुरी तरह हार गए। क्या फाइनल में हैदराबाद कोलकाता से बदला ले पाएंगे?